अरे अल्लाह करमो, कैसा है मेरा बेटा? ठीक है अम्मा, आ गई तुम? हाँ मेरा बच्चा, तुमने कहा था जल्दी आओगी। माँ सबके, अब तो मैं आ गई हूँ ना, क्या खाएगा मेरा बच्चा बता, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब्बा गया है खाना लेने। देख तू बाहर का खाना नहीं खाएगा, मैं तेरे लिए मुर्गी का सालन लेकर आई हूँ, मुर्गी का। मुर्गी? अम्मा रान खाऊंगा। एक नहीं, दो दो राने खाना, ठीक है? अभी लेकर आती हूँ अपने बच्चे के लिए। अरे वाह वाह, आ गई तू, चल ये ले, जा जा के लगा दे, बड़ी भूख लगी है। ये क्या है? मछली लाया हूँ, लोरी फिश फ्राई। क्या जरूरत है बाहर का खाना लाने की, मैं ले तो आती हूँ, पता भी है बाहर के खाने में कितने जरासीम होते हैं। और बस कर बड़ी आई डॉक्टरनी, मुझ पे तू डॉक्टरनी ना झाड़ा कर, मैंने नहीं खाना तेरा फीका सीटा खाना। शुक्र कर फजलू, शुक्र कर, घर में दो रोटी आ जाती है। बाजी ना एक लफ्ज भी नहीं बोलती, जो खुद खाती है ना वही हमें देती, इतनी अच्छी है बाजी। ज्यादा अपनी बाजी की ना वकील ना बन, उनके घर में पकता क्या है, ना स्वाद ना नमक ना मिर्च। बकवास बंद कर फजलू, तू खा ले, मैं कर्मू को नहीं खाने दूंगी ये खाना। हाँ और बस कर खाना लगा, दिमाग ना खा, बड़े काम कर दिया हराम खोर। क्या बोला तूने मुझे हराम खोर? पूरा दिन हड्डियां घिसाती हूँ मैं, तब जाके हमारा गुजारा होता है, तेरी तरह नहीं हूँ मैं हड हराम, तू होगा हराम खोर। और बस कर, ज्यादा बहस ना करी मेरे साथ, अपनी मर्जी से नहीं बैठा इधर, तुझे भी पता है काम में मंदा है, बड़ा गैरतमंद आदमी हूँ, बैठ के खाने वालों में से नहीं हूँ। हाँ तो मैं भी आशी नहीं करती, पूरा दिन बाजी एक टांग पे खड़ा रखती है मुझे, तब जाके हमें खाना की रोटी मिलती है। अम्मा खाना, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। ठंडा ना कर दी रोटी, मछली लाया सड़ा देगी। मेरा पुत्र कैसा है? मेरी जान, मामा से नाराज हो? मैं आपकी पसंद का पिज्जा लाई हूँ। मामा वो तो आप परसों भी लेके आई थी, मुझे नहीं खाना पिज्जा, इनफैक्ट मुझे कुछ भी नहीं खाना। अच्छा कुछ और चीज ऑर्डर कर देते हैं, बर्गर या। मामा मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपका टाइम चाहिए, मैं अकेली रह रहे के बोर हो जाती हूँ। ये सब मैं आपके लिए तो कर रही हूँ बेटा जान। लेकिन मामा हम लोग साथ तो नहीं है ना? I want to be happy, but with you. Okay. ये वाला मंथ दे दो, फिर पक्का हम लोग चलेंगे वेकेशन ट्रिप पे। वेकेशन ट्रिप कहाँ? जहाँ मेरी बेटी कहेगी। एक मेरी फ्रेंड्स हैं जो हर जगह जाते हैं, फिर एक आप हैं जिनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। आपके लिए तो टाइम ही टाइम है। अच्छा ऐसा है, कल तुम्हारी छुट्टी है, मैं भी छुट्टी कर लेती हूँ। सच? मुझ? लेकिन मामा कहीं ऐसा तो नहीं कि जब कल सुबह मैं उठूंगी तो आप लेने जा चुकी होंगी, ये वाला प्रॉमिस तो नहीं ब्रेक करेंगी ना? नो 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 नो, अब से कोई प्रॉमिस ब्रेक नहीं होगा, ठीक है? चलो फिर ठीक है। फजलू, फजलू उठना, जल्दी उठ। ओ की रोला पे, सुन दे। कर्मो की तबीयत ठीक नहीं है, उसका जिस्म तप रहा है, मैं बड़ी परेशान हूँ, उठना। फिकर ना कर, मैं ठंडे पानी की पट्टियां रख देता हूँ, ठीक हो जाएगा बुखार। मैं कह रही थी कि डॉक्टर को दिखा देते हैं ना, कुछ और हो गया तो, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। और चली हो गई है, ऐसे माठे बुखार बच्चों को होते रहते हैं यार, क्या हो गया है? अच्छा चल ठीक है, अभी रात बहुत हो गई है, अभी देखते हैं बुखार उतर गया तो ठीक है, वरना वो तेरी डॉक्टर नहीं है ना, उससे जाके सुई लगवा दूंगा। चल चल तू आई है, आराम कर ले, मैं देख लेता हूँ, थकी हुई होगी, आराम कर ले चल।
मामा जब मैं बड़ी होंगी ना मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। क्यों डॉक्टर नहीं बनेंगी आप? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ रहूं, उनको टाइम दूं, आपकी तरह नहीं। मैं आपको अपना टाइम दे रही हूँ ना, और ये सब कुछ आपके लिए कर रही हूँ ना बेटा। और अब आप इतनी बड़ी हो गई हैं कि आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि सिंगल पेरेंट होना आसान बात नहीं है। सॉरी मामा, मेरा ये मतलब नहीं था। आई डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स। इट्स ओके माय बेबी। अब जो काम करे वो बस फरा ही करे। कितनी दफा मैंने कहा है डॉक्टर साहब एक और नर्स रख ले, मुझसे नहीं होता काम, लेकिन नहीं, इनको तो दौलत बचाने की पड़ी हुई है। पता नहीं ये कहाँ लेके जाएंगे इतना पैसा। ये क्या हो गया? मैं मर जाऊंगी, मुझे एड्स हो जाएगा, हेपेटाइटिस, कुछ और। मामा ब्रेन्स के 3 पार्ट्स होते हैं? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है? वो कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी को सिग्नल भेजते हैं। जैसे अब आप लिख रहे हो तो ये ब्रेन सिग्नल भेज रहा है आपकी बॉडी को, एंड दैट्स व्हाई ये फॉर्मेशन हो रही है तुमसे। बाजी वो क्या आज मैं जल्दी घर जा सकती हूँ? वो मेरे बच्चे की ना तबीयत बहुत ही खराब है। हाँ ठीक है, आज मैं घर पर हूँ, तुम जा सकती हो। क्या हुआ कर्म को? पता नहीं उसे क्या हो गया, रात को तो बहुत ही तेज बुखार था, सुबह उठी तो फिर ठीक था। बाजी कोई दवा लिख के दे दे, रात में अगर उसे बुखार हुआ तो। ऐसे कैसे मैं लिख दूं दवा बगैर देखे हुए? उस बच्चे को क्लिनिक पर लेकर आओ, उसकी प्रॉपर जांच पड़ताल होगी, फिर उसको दवा दी जाएगी। वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, 5 दिन के अंदर बच्चा ठीक हो जाता है, बस जरा पानी की एहतियात करना। जी बाजी वो तो मैं करती हूँ। अच्छा बाजी फिर मैं चली जाऊं? हाँ जाओ, खुदा हाफिज़। रुको, हम तो आज डिनर पर जाएंगे, तो जो खाना वगैरह बना हुआ है वो तुम साथ ले जाओ। जी बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, बहुत शुक्रिया, जाती हूँ, खुदा हाफिज़। चौकीदार से कहना गेट बंद कर ले। हाँ बेटे, वेयर यू आर? हम डिनर पे जा रहे हैं। आज हम डिनर पर जाएंगे, उससे पहले हम मूवी देखेंगे, फिर हम डिनर पे जाएंगे, उसके बाद मेरा बच्चा खुश हो जाएगा, बहुत खुश। ये जिंदगी।